गाइस जो हमारे पीछे देख रहे हो ना, ये पूरा बरसाना है, हमारी श्री लाडली जी का प्यारा बरसाना, जहाँ पे वो रहती थी, खाती थी और मस्त यहाँ पे पालन पोषण हुआ। और यही है प्यारा बरसाना, और ये है श्री लाडली महाराज जी का मंदिर, भव्य मंदिर। राधे राधे, राधे राधे नाम लीजिए और सारे कष्ट मिट जाएंगे। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है हमारा मथुरा में डे टू, और डे टू में अभी हम जा रहे हैं बरसाना, और हमारी गाड़ी पीछे जा रही है भाई, जो हमने फुल बुक कर दी है। और बरसाना यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर पड़ता है, और जिसके लिए हम जाएंगे कार के थ्रू, टैक्सी जो हमने कर ली है, और बाकी अपने होटल यही है, सेम रहेगा भाई। 6-7 दिन जब जितने भी रहेंगे होटल सेम रहेगा, और बाकी हम सब लाइन से लग गए और वो आ गई गाड़ी। भाई सक्सेसफुली मैंने फ्रंट सीट ले ली भाई, कार में जाओ, और भाई कार में फ्रंट सीट लेना भी एक महाभारत काम होता है। अपने बेल्ट लगा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बेल्ट लगा देते हैं पूरी। सब तैयार? सब तैयार। एक बार नारा लगा दो बढ़िया सा, जय श्री राधे। राधे राधे बोले बांके बिहारी लाल की। क्या बात है। चलो गाइस अभी हम चल रहे हैं बरसाना की ओर, जो है 35 किलोमीटर यहाँ से, और भैया जी हमें लेके जाएंगे अपनी गाड़ी में, और हमारी यात्रा मंगलमय करेंगे। ठीक है भैया? राधे 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 राधे। पॉजिटिव वाइब गाड़ी में बनी ही थी, और यहाँ तो हमारे टायर को नेगेटिव वाइब मिल गई बाहर से भाई। तो भाई टायर में पंचर हो गया भाई, हमारी ट्रिप में अगर पंचर ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो भैया ये है सही रूट, बरसाना 15 किलोमीटर, नंदगांव 22 किलोमीटर, गोवर्धन 34 किलोमीटर। सामने है सारे बगुले बैठे हुए, 4 से 5 बजे के बीच में आना। अच्छा, आपको ये पक्षी एक भी नजर नहीं आएगा। क्यों? अच्छा, यहाँ से सीधे आना राजा रानी के मंदिर। अच्छा, उसकी छत पे बैठे हुए मंदिर सारे यहाँ पे, ये देखो सारे इतने सारे, बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। सारे साइबेरियन है, ठंड में रहता है। अच्छा, साइबेरियन ठंड में रहता है। कितने सारे ये साइबेरियन पक्षी हैं जो सर्दी में रहते हैं, और बट राधा रानी की इतनी बड़ी कृपा है कि इन्हें यहाँ पे बुलाया हुआ है। लो जी भाई हम पहुँच गए बरसाना, तीर्थ स्थल बरसाना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं बरसाना, और अभी हम जा रहे हैं रंगीली महल, बहुत एकदम आलीशान महल है, और इसका नाम एक और है कीर्ति मंदिर। ठीक है, तो हम जल्दी दिखाते हैं। वैसे रंगीली यहाँ पे रंगीली महल के नाम से भी जाना जाता है, और भाई एकदम भव्य है और एकदम नेक्स्ट लेवल, आप देखोगे तो मजा आ जाएगा। गाइस ये चेक करो भाई, कीर्ति मंदिर जिसे रंगीला महल भी कहा जाता है भाई। वाह कलाकारी भाई, एक नंबर ओपी, बहुत बढ़िया भाई, गजब भाई, मतलब एक एक चीज बिल्कुल परफेक्टली बनाई गई है। ये इसका एंट्री गेट जो हम करने जा रहे हैं यहाँ पे एंट्री। ठीक है, बोलो राधे राधे। बरसाना में आप आए तो कीर्ति मंदिर जरूर जाना। बाकी अब यहाँ पे लेडीज और जेंट्स की यहाँ पे चेकिंग होगी, तो चेकिंग करवाते जल्दी से, और फिर करते हैं इस भव्य मंदिर के दर्शन। सो गाइस ये है पीछे हमारे कीर्ति मंदिर, और एकदम भव्य मंदिर है, और कलाकारी अब चेक करना और बताना भाई कैसे। और ऊपर भाई देखो सारे गोल्ड के यहाँ पे लगे हुए, देखो ऊपर वाले, और आपको बैकग्राउंड यहाँ पे व्हाइट मार्बल से नीचे देखो एकदम, और वो रंगीली महल ये देखिए भाई, सामने हमारे रंगीली महल है। और आप बरसाना आए तो यहाँ पे जरूर आना और दर्शन करके जाना, और बाकी आप सामने देख लीजिए भाई, बहुत प्यारा। और अभी धूप हो रही है ना, आपको लग रहा होगा हमारे पैर जल रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ये मार्बल है ना, ये मार्बल ऐसा है कि धूप कितनी पड़ती रहे पर इतना गर्म नहीं होता जैसे कोई नॉर्मल मार्बल होता है। ठीक है, बाकी ये चेक कीजिए भाई, एक नंबर है ना। अभी हम मंदिर के अंदर एंटर करने जा रहे हैं, बोलो राधे राधे। सो गाइस बहुत अच्छे दर्शन हुए यहाँ पे अंदर, राधा रानी जी को उनके बालपन को दर्शाया गया है, और श्री कृष्ण जी तो हर जगह है, क्योंकि जहाँ राधा रानी है वहीं कृष्ण जी हैं, और जहाँ श्री कृष्ण है वहीं पे हमारी राधा रानी है। और बाकी अभी बहुत अंदर काफी भव्य मंदिर है, और इससे जैसा बाहर है ना उससे 1000 गुना बढ़िया अंदर है, और जो
माता की प्रतिमा है, हमारी राधा रानी जी की प्रतिमा है और श्री कृष्ण जी की प्रतिमा है, और जो उनके बाल स्वरूप की लीलाएं दिखाई हुई है वो सब एक नंबर है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो सॉरी, बाकी सुंदरता एकदम देखते ही बनती है। आप जरूर आए यहाँ पे कीर्ति मंदिर में बरसाना में। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी की बाल लीलाओं को दर्शाया गया है कि चारों ओर यहाँ पे गोपियाँ कोई ढोल बजा रही है, कोई सितार बजा रही है, कोई घंटियां बजा रही है, कोई फूल मालाएं लेके बैठी है, और माता यशोदा उन्हें हमारे लड्डू गोपाल जी को सुला रही है कि बेटा सो जाओ। और ये पूरा एकदम सुंदर सा दृश्य आप सबको दर्शाया गया है कि ठीक ऐसे ही होता था द्वापर युग में। ये देखो भक्तजन की सारी भीड़ यहाँ पे इस अच्छे दृश्य को और भावुक दृश्य को यहाँ पे देखने के लिए उमड़ चुकी है। और इस प्यारे दृश्य में हमें दर्शाया गया है कि कैसे हमारे लड्डू गोपाल, हमारे श्री कृष्ण, माता राधा रानी जी को कैसे झूला झूला रहे हैं, और साथ में सारी सखियां इस फूलों के बगीचे में उनके साथ रास लीलाएं कर रही हैं, वो ठीक आप सबको दर्शाया गया है। तो भैया मथुरा वृंदावन अपने बूढ़े माँ बाप को, दादा दादी को जरूर लेके आए, क्योंकि उनके बुढ़ापे का सारा यही जगह है ना, जहाँ राधे राधे नाम जपते हुए और श्री कृष्ण जी का नाम जपते हुए ये उम्र कट जाए और भगवान के पास जाए जब भी उम्र पूरी हो। ठीक है, तो भैया मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, कुछ नहीं जाएगा इस जीवन में से, जो जाएगा तो अच्छे कर्म जाएंगे, और जितना भगवान के लिए अपना मन लगाओगे और उनके लिए भजन कीर्तन करोगे और कुछ अच्छे काम करोगे तो वही जाएंगे। सही बता रहा, बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा, बाकी राधे राधे हर तरफ यहाँ पे, राधे राधे जप रहे भाई, राधे राधे, क्योंकि बरसाना में है, बरसाना की हर कण कण में राधे है और हर जगह ही राधे है। बोलो राधे राधे राधे। चलो गाइस, पूरी फैमिली अब सीधा चलती है बरसाना में श्री लाडली जी महाराज मंदिर की ओर। ठीक है, जहाँ पे लाडली जी का सबसे मेन मंदिर है, लाडली जी के पास। वैसे तो राधा रानी यहाँ के हर कण में है, पर फिर भी जहाँ पे उनका मुख्य स्थान है वहीं पे चलते हैं। ठीक है, बोलो राधे राधे। मजा आ गया, मजा आ गया भाई, एकदम फील आ रहा है कि हाँ भाई एकदम स्वर्ग में आ गए। और चलिए गाइस, अब आ चुके हैं हम श्री जी के दर्शन करने, उनके मेन बरसाना मंदिर श्री लाडली जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए। और आपको ऊपर से टॉप के दर्शन दिखा देता हूँ यहीं से, फिर हम ऊपर 800 मीटर की छोटी सी चढ़ाई पे फिर हम चलेंगे। सो गाइस, ये है श्री लाडली जी महाराज जी का मेन मंदिर, हमारे राधे रानी का मेन मंदिर, और यहीं पे पूरा बरसाना है और यही बरसाने का बिल्कुल सेंटर है। और ये देखिए, बोलो श्री लाडली जी की जय। लाडली जी महाराज की राधे राधे। ये फटाफट वाली मेहंदी, एक मिनट से भी कम में मेहंदी लगा जाती है भाई। ओ भाई क्या बात है भाभी जी, राधा रानी के यहाँ पे आए और मेहंदी ना लगाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी लाडली जी को भी मेहंदी बहुत ज्यादा पसंद थी और एकदम उनकी प्रिय थी। बोलो राधे राधे। तो गाइस, ये श्री जी के लिए हमने ले लिया है यहाँ पे प्रसाद और चुंदड़ी, क्योंकि हमारे श्री जी को तो यही सबसे ज्यादा प्रिय है, और पुष्प ले लिए हैं और पुष्प मालाएं ले लिए हैं, और पीछे है मंदिर। बोलो राधे राधे। गाइस, ये है मंदिर के लिए भीड़ और श्री जी के लिए भीड़, और बोलो राधे रानी की श्री जी की। नजारा चेक करो भाई, एक नंबर, पूरा बरसाना हमें सामने दिखाई देता है, क्योंकि श्री जी का जो मंदिर है वो बिल्कुल ऊपर पहाड़ी पे है। ये देखो, जय हो श्री जी की, श्री लाडली जी महाराज की जय। श्री जी की जय, राधे रानी की जय। श्री जी के मंदिर के लिए भीड़, बोलो राधे राधे। जैसे जितना सोचा था ना उससे भी कहीं बढ़ के है श्री जी महाराज जी का मंदिर और हमारी लाडली जी का मंदिर। बोलो राधे राधे। ये भैया राधे रानी के हमारे भक्त श्रद्धालु, ये देखो राधे राधे।
रानी के हमारे श्री लाडली जी के भक्त। ये देखो राधे राधे। आज अपने आप को बहुत लक्की फील कर रहा हूँ और ये राधा रानी जी का प्रसाद वहाँ से छुआ के लेके आया हूँ और बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे जो हम बरसाना में आए, मथुरा में आए, वृंदावन आए और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और बाकी बहुत अच्छे दर्शन हो गए एकदम। मत्था टेक है और जो भी सारी मुरादे हैं वो मांग के आए हैं और इसीलिए सारे भक्त आते हैं यहाँ पे सारे और अपनी मुरादे और अपनी इच्छाएं मांगते हैं। ये है हमारी राधा रानी जी लाडली जी की सखी, प्यारी प्यारी सखी। बोले राधे 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 राधे। जय हो श्री लाडली जी की, श्री जी की, राधे रानी की, राधे राधे। ये है हमारी श्री लाडली जी महाराज जी का एकदम टॉप का मंदिर भाई और उस सबसे ऊपर लगाया अपने देश का तिरंगा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा। हमारी राधा रानी जी का बरसाना पूरा। और आपको बोलूं कि दूध में खीर डालने से तो तकदीर बनती है लेकिन हमारी राधे रानी का नाम ही लेने से उनकी सबकी तकदीर बनती है। बोलो राधे राधे। सब माता रानी से यहाँ पे मुरादे मांगने के लिए यहाँ पे चुनरी बांध के गए हैं कि हे लाडली जी हमारी मनोकामना पूरी करें, तो यहाँ पे अपनी चुनरी बांधने चल जाते हैं। सारी मनोकामना पूरी हो तो दोबारा आए खोलने के लिए। और गाइस बस इसी के साथ हम चल रहे हैं वापस अपनी कैब की ओर और हो करता हूँ आपको अच्छे लगे दर्शन तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी राधे राधे। और भाई जो यहाँ पे आएगा ना वो यहीं का हो जाएगा, मतलब वहाँ से नजर उठ रही थी और ऐसा लग रहा दिमाग में वही ले बस रखे लेके जा रहा हूँ। ठीक है पर इतना ही मैं आप सब तक शेयर कर सकता हूँ। बाकी मिलते हैं इस मथुरा वृंदावन और बरसाना के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।